गुंडागर्दी खत्म कर दो यहाँ से, लोगों को धक्के खिला रहे। कैसे बना रखी जाती है ना अपना, किस तरह बना रखी? यहाँ पे साइन हो गया मुझे, तुम्हारा किसने पैसे ले लिए मुझे बता दे। ये सारे पैसे लेकर तो रहे सारे काम गहमा गहमी की ये तस्वीरें पानीपत के नगर निगम की है, जहां उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब बीजेपी पार्षद विजय जैन ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा डाले। विजय जैन ने नगर निगम के अधिकारियों पर प्रॉपर्टी आईडी में रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय में जमकर हंगामा किया और नगर निगम अधिकारियों पर पैसे लेकर लोगों के काम करने के आरोप लगाए। उसके बाद हम धरने पर ही बैठेंगे वहाँ पर। ये 106 गज की एक है, 44 गज की एक है, 28 गज की एक है, ये बना रखी है। तो कैंसिल कर देंगे इसको, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कैसे कैंसिल करोगे आप। ये गुंडागर्दी खत्म कर दो यहाँ से, लोगों को धक्के खिला रहे, जो 600 रुपए दिहाड़ी करते हैं सारा दिन यहाँ पर 6-6 महीने धक्के खा रहे। यहाँ पे गलत तो होगा नहीं, गलत करे तुम लोग, गरीब आदमी को परेशान करे तुम लोग। 200-200 करके 400 कर ली, अब लोग कह रहे वो करते हैं। ये कैसे बना रखी जाती है ना अपना, किसने बना रखी? यहाँ पे साइन हो गया इसमें, आपने साइन करा होना, ये कैसे हो गई? कागज पूरे हैं, कोई बात नहीं, सारा रिकॉर्ड निकालो, गरीब आदमी हो परेशान मत करो, बिल्कुल परेशान करो तुम लोग, कुछ तो तुम्हीं कहता होगा तुम्हारा। किसने पैसे ले लिए मुझे बता दे, ये सारे पैसे लेके तो रहे सारे काम। दरअसल वार्ड पार्षद विजय जैन के वार्ड वासियों के काम नगर निगम अधिकारियों द्वारा नहीं किए जा रहे थे। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे और प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए जीटीओ ने रिश्वत ली है। इतना ही नहीं, विजय जैन ने जीटीओ पर बदतमीजी करने के भी आरोप लगाए। आज जो है ना, मेरे वार्ड के लोग मेरे पास आए थे, इनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही है और 4-4, 5-5 महीने से धक्के खा रहे हैं ये लोग। ये वार्ड नंबर 2 से रतन सिंह जी है, ये मेरे हल्के का आदमी है, इसको 4 महीने से इसको धक्के खिला रहे हैं। लेवल 1 हो गया, लेवल 2 नहीं हो रहा, और फाइल भी और कर फाइल गुम कर दी इनकी 2 महीने में फाइल। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा जनता परेशान है, ये अंसल से भाई थे ये भी परेशान, धक्के खा रहे हैं। एक यहाँ पर हमारे जेटीओ समय पालसी जो बदतमीजी से पेश आते हैं और बोलते हैं कि बाहर बैठो तुम लोग, हम कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने कहा भाई इनकी बात सुनो, हम उनके पास गए तो बदतमीजी से बोलते। मैंने दोबारा कमिश्नर साहब को फिर बोला कि कमिश्नर साहब लोग धक्के खा रहे हैं निगम में, इसको सुधारो। कमिश्नर साहब ने काम अच्छा कर रहे हैं इसमें नो डाउट, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है समय पाल जैसे जेटीओ है, इन्होंने इस निगम का बेड़ा गर्क किया हुआ है और ये बदतमीजी से पेश आते हैं पब्लिक के साथ। सिर्फ मेरे पास ये प्रूफ है जो पार्ट बेसिस में इन्होंने आईडी कर रखी है, 1 48 गज की, 1 28 गज की और 106 गज की, 100 गज की भी। मैंने हमारी जिलाध्यक्ष को भी व्हाट्सअप किया और उनको बोला, वो आज किसी कारण से चंडीगढ़ में गई हुई है, वो कल आएंगी, वो बात करेंगी कमिश्नर साहब से। और जो हमारे वार्ड के लोग उनको धक्के खिलाते हैं कि नहीं होगी, ऑब्जेक्शन लगा के कैंसिल कर देते हैं, उस बारे में मिले तो MC को बोलते बाहर बैठो आप। और मेरा एक कोई साथी वीडियो बना रहा था, उसको धमका रहे हैं कि वीडियो बंद करो। अरे अगर आप सच्चे तो वीडियो बंद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके मन में चोर है तो इसलिए वीडियो बंद करा रहे हो आप लोग। एक तो पब्लिक का काम नहीं करते, पब्लिक का काम करते नहीं, सबसे बदमाश भ्रष्ट अधिकारी है जेटीओ यहाँ पे। पैसे मांगते हैं सर, पैसे तो इससे 25,000 रुपए इससे मांगे गए, इसके स्टिकर भी इनके पास, जो मेन दलाल है उन्होंने अपने बोर्ड लगवाई हुए कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए संपर्क करे, और जो इसकी अपने नाम से रतन सिंह के नाम से आईडी है उसकी, और इनको दलाल बताता है जेटीओ। वहीं कार्यालय में पार्षद के साथ पहुंचे पीड़ित ने आरोप लगाए कि निगम के अधिकारी काम कराने के लिए पैसे मांगते हैं। पीड़ित ने जेई पर प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए उससे पैसे मांगने के आरोप भी लगाए। जो मेरे साथ हुई, मैं 4 महीने से परेशान हूं, रतनलाल मेरा नाम है, मैं अपने लड़के की है ना प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए धक्के खा रहा है। 4 महीने में मेरे लड़के की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी, खून का रिश्ता है हमारा, कभी इधर धक्के खवाते कभी इधर, मेरे से पैसे मांगते लिफाफे में दे दे। कितने पैसे मांगे आपको? कोई 20,000 मांगा है, कोई 15,000 मांगा है, कोई 10,000 मांगा है। किसने मांगे? जेई ने मांगे, आसू जेई था,
वो यहाँ से जा लिया मेरे को, मेरी उससे बहस हुई भाई तू पीछे मांगता है मेरी, जिस टाइम खुद बोलने लगा वीडियो नहीं बनाई, जिस टाइम मैं बोलने लगा मेरे को अंग्रेजी में गाली देने लग गया। हाँ सुजी ने, और यहाँ से वो चला गया तो मेरी पेंडिंग कर दी उसने, बोला तेरी यहाँ से बनेगी नहीं और तू यहाँ से चला जा। बहरहाल पार्षद विजय जैन ने नगर निगम अधिकारियों की कमिश्नर को शिकायत दी है। वहीं विजय जैन ने कमिश्नर को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनके वार्ड के लोगों के काम जल्दी नहीं होते हैं तो वे प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दरवाजा खटखटाएंगे। इतना ही नहीं, विजय जैन ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर व निकाय मंत्री कमल गुप्ता को शिकायत देकर कार्रवाई करने की भी बात कही। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।